अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड ये बेल बटन को जरूर दबाइए टू कीप अपडेटेड माई लेटेस्ट वीडियोज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है फ्राइडे और अभी मैं पी रही हूँ लेमन हनी ल्यूकम वाटर और ये ड्रिंक के साथ मेरा सुबह स्टार्ट होता है। तो आज का दिन मैं कैसे करके बिताऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले मैं ये फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी करने के लिए। और आज मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ एक बनाना और 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड और वो मैं जैम के साथ खाऊंगी। मुझे जैम के साथ ब्रेड खाना बहुत पसंद है। और अभी टाइम हो गया है 11:45 और अभी मेरा शावर लेना भी हो गया है और मैं अभी रेडी हो रही हूँ और रेडी होके मुझे कहीं निकलना है। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आने के बाद आप लोगों को बताऊँगी। फ्रेंड्स, मैं अभी अभी लौटी हूँ घर वापस और मैं गई थी पार्लर मेरा हेयर कट करवाने के लिए। मेरा 12:30 का अपॉइंटमेंट था तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ बात आप लोगों के साथ नहीं किया है। जल्दी जल्दी मैं पूरा जो घर का काम था वो सब करके मैं निकल गई। तो मैंने सोचा कि आने के बाद मेरा जो हेयर कट है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोगों के साथ बात भी करूँगी। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी फटाफट जो भी काम था वो करके निकल गई। तो देखिए मैं कैसे हेयर कट की हूँ। मैं एकदम सिंपल हेयर कटिंग किया है क्योंकि मुझे लंबा बाल अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत दिनों से ट्राई करके मेरा बाल जो है वो मैंने बड़ा किया है तो इसीलिए मैं उसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ बोला कि जो नीचे का पार्ट है बस ट्रिम कर देना और उन्होंने दिखाया कि इतना सा उन्होंने ट्रिम किया है। तो मेरा जो लेंथ था वो ज़्यादा नहीं गया है लेकिन जो सामने का पार्ट है वो मैंने ऐसे स्टेप कर लिया है। तो इधर तो स्टाइल कर सकते हैं लेकिन लेंथ के साथ कोई भी चांस मैं नहीं ले सकती। और हम लोगों का क्या है कि बंगालीज़ का एक रिचुअल्स भी है कि शादी का एक साल बाल कट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बोल के रखा था तो इसीलिए मैंने नहीं किया है। और एक साल कंप्लीट हो गया है तो मैं अभी खुशी खुशी जाके बाल को कट किया है क्योंकि मेरा जो नीचे का पार्ट था वो थोड़ा सा ख़राब भी हो गया था। तो ये रहा मेरा आज सुबह से अभी तक का रूटीन। अभी मैं लंच करूंगी क्योंकि जो मेरा काम था घर का काम था वो तो मैं सुबह करके ही गई थी तो और कुछ काम बाकी नहीं है। तो मैं लंच करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मेरा लंच अभी हो गया है और मैंने आज लंच पे खाई हूँ पनीर की एक सब्जी और पराठा। और क्या था कि आज सॉर्ट ऑफ 8:30 तक निकल गया है ऑफिस के लिए तो मैं आज सुबह जल्दी उठ के उसके लिए सब्जी पनीर की सब्जी और उसको पूरी बना के दे दिया है। और मुझे भी आज बाहर जाना था तो इसलिए मेरे लिए भी मैं यही सब्जी बना के रख दिया था। और क्या है कि मुझे पराठा खाना ज़्यादा पसंद है और उसको पूरी खाना ज़्यादा पसंद है तो एक साथ जब होते हैं तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज तो वो ऑफिस में खाएगा और मैं घर पे खाऊंगी तो इसीलिए मेरे लिए मैं पराठा और पनीर की सब्जी वो मैं बना लिया है वो मैं खाई आज। तो ये था मेरा लंच। और आज मैं रात के लिए बनाऊंगी चाउमीन और वो मैं एग और प्रॉन के साथ बनाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये रहा 5:30 तक आज सौरभ आ जाएगा तो हम दोनों मिलके आज वॉक के लिए चलेंगे। सौरभ नहीं जाता है बट मैं ही जाती हूँ जनरली वॉक के लिए लेकिन वो आज जल्दी आ जाएगा तो मेरे साथ उसको चलना पड़ेगा। ये था। और अभी क्या मैं करूँगी थोड़े टाइम के बाद मैं किचन में जाके जो कि रात के लिए प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा करके रख दूँगी। जो वेजिटेबल है वो मैं कट करके रख दूँगी और जो नूडल्स है वो मैं बॉईल करके भी रख दूँगी तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा रात के लिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो मैं करके रख दूँगी। और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ वो है कि कल मैं साइंसबेरी से एक नेल पॉलिश ली हूँ मेबलिन का। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए ये कलर आप देख ही सकते हो कि आज सुबह से ये कलर मेरे हाथ पे ही है।
तो मैं इसलिए सोचा कि अगर ये कलर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये सुपर स्टे 7 डेज का है। ये जो है ये नेल पॉलिश बहुत अच्छा है। मेरे पास इसका मतलब मेबलिन का ये प्रोडक्ट बहुत सारा है। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छा लगे। तो इसका जो लिंक है वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप चेक कर सकते हो। मुझे इसका मेबलिन का नेल पॉलिश बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो घर पे बहुत सारे काम करते हैं, फिर भी ये एटलीस्ट 7 डेज तक अच्छे से चलता है, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मेबलिन का यूज़ करना। और अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। मेरा जो रात का खाना है उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन अभी मैं कर रही हूँ। जो सब्जी है वो उसको मैं अभी कट करके रखूँगी। और अभी हम दोनों मिलके निकल गए हैं वॉक के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और सौरभ ज़्यादा थक गया है, इसीलिए वो इधर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं, और उसके साथ मैं भी बैठ गई हूँ रेस्ट करने के लिए। और ये हमारा एंड पॉइंट है, तो इधर से फिर से वापस जाएंगे। तो ये पूरा 4.5 किलोमीटर्स ऐसे करके कुछ होता है, तो यही हम लोग पूरा जो वर्क है वो करते हैं, मंडे टू फ्राइडे तक करते हैं, लेकिन सैटरडे संडे नहीं होता है टाइम, और मन भी नहीं होता है, सैटरडे संडे स्किप करते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है बीटी मारे फील्ड। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल रग्बी स्टेडियम है। और मुझे इधर आना बहुत पसंद है। जो पूरा दिन का जो थकान है इधर आने के बाद ना, पूरा वो थकान चला जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं और एक जगह जाती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। और हम दोनों अभी वापस आ गए हैं और मैं पी रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। मुझे आज बड़ा मन किया कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो मैं आके ही फटाफट बना लिया है कोल्ड कॉफ़ी, और मैं अभी सौरभ के साथ बात करते करते ये कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ रात के डिनर बनाने के लिए, और अभी मैं एक स्क्रैम्बल बना रही हूँ। और इधर मैंने सारे वेजिटेबल को चॉप करके रख दिया है, बीन्स, कैरेट, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम एंड स्प्रिंग ऑनियन। और इधर मैंने प्रॉन एंड एग को फ्राई करके भी रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैं इस पे ऐड कर रही हूँ ऑनियन, इसको मैं अभी फ्राई करूँगी। और 1-2 मिनट ऑनियन फ्राई करने के बाद मैं इस पे ऐड कर रही हूँ बीन्स एंड कैरेट को। और अभी मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। ये तीनों थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद मैं इस पे ऐड कर रही हूँ बेल पेपर एंड कैप्सिकम। और ये थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैं इस पर ऐड करूंगी स्प्रिंग ऑनियन। और अभी मैं इस पर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। और ये हल्का सा सॉटे करने के बाद मैं इस पर ऐड करूंगी प्रॉन एंड एग्स को। और मैंने ग्रीन चिलीज को विनेगर में ऐसे भिगो के रखा था,
तो इसीलिए इसका जो स्मेल है ये बहुत अच्छा आता है। तो ये अभी मैं डाल रही हूँ इधर, और अभी मैं इस पे ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आप कोई डिश में सोया सॉस यूज़ कर रहे हो तब उस डिश में थोड़ा सा सॉल्ट को कम देना, क्योंकि सोया सॉस में ज़्यादातर सॉल्ट होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कम सॉल्ट यूज़ किया था इसमें। और अभी मैं इस पे ऐड करूँगी चाइनीज़ सॉल्ट यानी कि अजिनोमोटो। ये बहुत ही एक अच्छा चाइनीज़ फ्लेवर लाता है। और अभी मैं इस पे ऐड कर दूँगी नूडल्स जो कि मैंने बॉईल करके रख दिया था, तो इसको अभी हल्के से फ्राई करना पड़ेगा। और मैं नूडल्स को थोड़ा थोड़ा करके इधर डालूंगी ताकि सारा कुछ अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। और नूडल्स को भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मेरा अभी नूडल्स रेडी है। अभी मैं इस पे ऐड करूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर और मैं इसको अभी सर्व कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा डिनर अभी हो गया है और चाउमीन बहुत अच्छा बना था। अगर आप चाहते हो तो मेरा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना एक बार, तो अच्छा लगेगा होपफुली। और ट्राई करके मुझे बताना कि कैसा हुआ था। और मैं जो ये व्लॉग है इसको इधर ही ख़त्म कर रही हूँ। और अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।